नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। देखिए पहला प्रश्न आ रहा होगा, जरा पढ़िए। प्रश्न कहता है पांच अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, पांच अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, यानी ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं जो पांच अंकों से बनाई जा सकती हैं। तो इसमें क्या होता है, पहली आप जो है इनका जो पाँच अंक की पूछे ना, तो क्या करना है, सबसे पहले इनका छः अंक जो है पाँच अंक बड़े से बड़े लिख लेना चाहिए। तो पहले पांच अंक हमने बड़े से बड़े लिख लिया, अब इससे क्या होता है चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इसमें से घटा देनी है, तो क्या बचेगा बाबू, तो 90,000 ऐसी संख्याएं होंगी जो पांच अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। नंबर दो बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर दो देखिए, मोहनलाल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को, 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। अब उसके पास पूंजी का कौन सा भाग शेष बचा है। अच्छा एक बात बताओ, मान लेते हैं मोहनलाल के पास एक्स भाग जो है एक्स पूंजी है, कितनी बाबू पूंजी है एक्स पूंजी। अब जो लड़के को उसने दिया है, क्या दिया है लड़के को और लड़की को और पत्नी को, इन लोगों में उसने अपनी पूंजी का बांट दिया है। तो पत्नी को जो लड़के को दिया है इसका 1/4, एक्स का 1/4 दिया है, और जो पत्नी को दिया है लड़की को अपनी पूंजी का, और जो अपनी पत्नी का 1/8 भाग और लड़की को अपनी जो है 1/3 भाग, तो इसको 1/3 भाग और इसको 1/8 भाग। अब इन सबका योग करके इसमें से घटाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, 1/4 और प्लस 1/3 और प्लस 1/8। अब इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, तभी तो भिन्न जोड़ पाएंगे। इनका एलसीएम बाबू आएगा 24, कितना आएगा 24। अब 4 छंग 24 तो 6x, 3 8 24 तो 8x, 8 3 24 तो 3x, ठीक है। अब इनका योग करते हैं तो 8 6 14 और 14 3 17 एक्स और बटे 24। अब x से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 24x ना, इधर गुणा करेंगे, अब माइनस 17x और बटे 24, 24 से 17 गए बाबू, तो कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7 और बटे 24, पूंजी भाग था एक्स, एक्स कैंसिल हो गया, तो 7/24 यानी उसकी पूंजी का उसके पास 7/24 भाग बचा रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर तीन देखिए, किसी संख्या का पांचवा भाग उसके नौवें भाग से 12 अधिक है, तो वह कौन सी संख्या है। तो भैया इसी संख्या का जो है 3/ इसी संख्या का पांचवा भाग यानी 1/5 और इसी संख्या का 1/9 भाग से 12 अधिक है, ये समीकरण बनेगा। तो 1/5 और माइनस 1/9 बराबर 12, तो 9x और माइनस 5x और 9/5 45 बराबर 12, ये समझ रहे हैं ना। तो 9 से 5 गया कितना बचा 4x, और तो 12 गुणे 45 तो 4 3 12, 3 5 15 और 3 4 12, 3 5 15, 3 4 12 और 1 13, 135 जो है पूरा भाग रहा होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कहता है बताओ भैया 18 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। देखिए 18 को जो नियम होगा, इसके गुणनखंड करिए, कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 2 और 9। तो भैया 2 से वे संख्याएं कटेंगी जिनका अंक लास्ट में अंक 0 2 4 6 8, ये लास्ट में अंक होने चाहिए। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो ये संख्याएं सभी 2 से तो कट जाती हैं। लेकिन 3 का जो 9 का नियम होता है, वो होता है इनके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, ठीक है। तो 5 2 7 और 7 5 1 6 6 2 8, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये 9 से नहीं कटता है, 2 से कट सकता है। अब इसको देखते हैं 7 1 8 और 8 और 2 10, ये भी 9 से नहीं कटेगा। अब इसको एक बार चेक करते हैं, 8
एक नौ और नौ दो ग्यारह, ग्यारह भी नौ से नहीं कटता है, छः एक सात, सात दो नौ, यानी नौ से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर पाँच देखिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे सात घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 और 105 से प्रत्येक से विभक्त होती है। तो एक काम करिए, 20, 28 और 35 और 105, इनसे वो संख्या विभक्त होती है, तो क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लेना बाबू है। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालने के भाग भी इससे बताते हैं, तो दो से काटिए कितना होगा, 10, 14 और 35 और 105, फिर दो से काटिए, 5, 7 और 35 और 105, फिर क्या करेंगे, 3, 5 से काटिए, 5 × 5 = 7, 5 × 7 = 35 और 5 × 2 = 10, 5 × 5, फिर 3 से काटिए, 7, 7 और 3 = 21 और 7 × 7, तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 60 और गुणे 7, 7 × 42। अब कहता है जो शेष बचे, जो शेष बच्चे, तो क्या करना है, इसमें 7 वही जोड़ देना है, तो वो 427 वह संख्या होगी जो इन दोनों से कटेगी और 7 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, इसमें सब में रूट दिया बाबू है, तो 36 का रूट कितना होगा 6, 81 का कितना होगा 9, 49 का कितना होगा 7, 16 का कितना होगा 4 और बटे इसका कितना होगा 9 का 3 और यहाँ पर 2, तो 2 × 3 = 6, ठीक है, 2 × 3 = 6, 6 से 6 कैंसिल, 9 × 4 = 36 × 7, 7 देखिए 7 × 6 = 42 हासिल हलगे 4, 7 × 21 = 4, 25, तो 5 आंसर भैया 252 होगा, तो जो ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल 3 बिल्कुल सही होगा। देखिए बाबू इसको हल करना है तो 3.75 और 2.35 और 2.25, तो 5, 5, 5 कितना हुआ 15 हासिल लगा, 1, 7, 3, 10, 2, 12, 1, 13 पॉइंट लगा दिया और हासिल बचा 1, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8। अब 8.35 से 10 घटाना है, कितना बचेगा 5 और 2, यहाँ कितना बचा 6, ठीक है। अब 6.25 क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 × 100, 25 × 6 = 625, तो 6 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, कितना बचा 1, यानी 6 सही, 1/4 आंसर आएगा, तो आपका कौन सही होगा भैया, ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कहता है 3 ग्राम का मैं 5 डेसीग्राम तथा 7 सेंटीग्राम में कुल कितने मिलीग्राम होंगे। देखिए 3 ग्राम, 3 ग्राम को अगर मिलीग्राम में बदलते हैं तो बाबू 1000 से इनका गुणा कर देते हैं, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, कितने होते हैं 1000 मिलीग्राम में। अब कहता है 5 डेकाग्राम, तो 1 डेकाग्राम में 100 जो है मिलीग्राम होते हैं, तो क्या करेंगे 5 × 100 और प्लस फिर क्या कहता है 7 सेंटीग्राम, तो भैया 1 ग्राम, 1 सेंटीग्राम में 10 जो है सेंटीग्राम होते हैं, तो 10 × 7 × 10, तो ये कितना हो जाएगा 3000 और प्लस ये 500 और ये 70, इसका योग करेंगे तो 3570 आएगा, यही आंसर आपका होगा, तो ऑप्शन नंबर भैया कौन सही होगा, 3000। प्रश्न नंबर जो इसमें है ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, हल करिए तो 9 × 3 = 27 और 1 28/3 और भाग 3/5 और गुणे, देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसे का को हल कर लेना है, का मतलब होता है गुणा, तो 7 × 3 = 21 और 9 × 5 = 45 और गुणे 4/5। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये पूरा जो है भाग कर देंगे, नहीं भैया 28/3 भाग आपका सिर्फ ये कर रहा था ना, 45/21 और गुणे 4/5, ठीक है 4/5, 7 × 21, 7 × 4 = 28,
तीन इकन्ना तीन, तीन पच्चे पंद्रह, पाँच तिया पंद्रह और तीन से तीन कैंसिल, चार चक्कू सोलह, यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें कौन सा सही बाबू होगा, चार सही आंसर है। प्रश्न नंबर दस देखिए, पाँच कामा तेईस कामा अठारह कामा इक्कीस कामा तीन एक्स कामा पैंतीस कामा अठारह का औसत मान जो है 21 है, तो भैया आपका एक्स का मान निकालना है। तो बाबू औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल और बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। अब भैया तो क्या करेंगे, पाँच प्लस तेईस प्लस अट्ठारह प्लस इक्कीस प्लस तीन एक्स और प्लस पैंतीस प्लस अठारह और बटे कितना हुआ, एक दो तीन चार पाँच छः सात और बराबर 21, सात करना सात, सात दूनी चौदह, ठीक है, सात दूनी चौदह यानी इनका आया 147 और बाबू इसका जो योग आएगा वो योग कितना आएगा 120, इनका योग कितना आता है 120 और प्लस 3x, पक्षांतर करेंगे 147 से 120 माइनस करेंगे कितना बचेगा, सात यहाँ पर दो और ये 3x, तो x बराबर कितना होगा 3 नवा 27, तो x का मान आएगा 9। तो ऑप्शन नंबर इसमें बाबू कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा भैया, नंबर दो सही होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करिए, अगर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।